Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and I am Dr. Man Borse, and today we will discuss about the topic of classifications of nerve fiber. ठीक है, आज का टॉपिक अपना कौन सा है? Classifications of nerve fiber. Classifications of nerve fiber. Classifications of nerve fiber के पहले अपन देखते हैं कि nerve fiber क्या होते हैं. ठीक है, nerve fiber क्या होता है? नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर जो है इट इज ए थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, नर्व फाइबर क्या होता है? थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ ए नर्व सेल्स कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड माइलिन शीथ इज प्रेजेंट. उसमें क्या होता है, अगर टिपिकल न्यूरॉन की बात करेंगे तो उसमें क्या एक्सॉन पाया जाता है, सोमा पाया जाता है, माइलिन शीथ पाई जाती है. ठीक है, तो उसी को क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको. ठीक है, तो नर्व फाइबर क्या होंगे? इट इज ए थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ ए नर्व सेल्स विथ कंसिस्ट ऑफ ए एक्सॉन एंड माइलिन शीथ उसमें प्रेजेंट होता है. माइलिन शीथ और जो एक्सॉन है उसमें क्या है, प्रेजेंट होता है. तो नर्व फाइबर क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर जो है दे आर क्लासिफाइड इन 6 डिफरेंट मेथड. जो अलग अलग टाइप के जो उसके हैं तो अपने को क्लासिफाइड उसका किया गया है 6 डिफरेंट मेथड में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है. तो क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्व फाइबर, देयर आर क्लासिफाइड बाय 6 डिफरेंट मेथड. डिफरेंट 6, ठीक है, 6 डिफरेंट मेथड. सिक्स मेथड से उसको डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर. जो उसका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर. ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन के थ्रू भी जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है. फोर्थ जो है अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन. फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, फिफ्थ अपना क्लास है डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है फिफ्थ क्लासिफिकेशन है. सिक्स्थ क्लासिफिकेशन कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स. ठीक है, तो अपना क्या है, कितने क्लासिफिकेशन हो गए, देयर आर 6 क्लासिफाइड. क्लासिफाइड कितना हुआ है, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर है उसका अपन 6 क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे. इसमें एक होता है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, सेकेंड क्लासिफिकेशन अपना है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड क्लासिफिकेशन अपना कौन सा, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस के आधार पर अकॉर्डिंग उसमें क्या है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन जो फिफ्थ है, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फिफ्थ क्लासिफिकेशन. सिक्स्थ अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स. इंपल्स का जो कंडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन अपना है. ठीक है, तो अपना कौन कौन सा हो गया,
डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर टू वन, और डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन द इम्पल्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये अपने को छः क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, अब इसको वन बाय वन जो है अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं, वन बाय वन मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन जो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा अपना, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। अब डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर जो क्लासिफिकेशन, इसके आधार पे भी क्या, इसके अकॉर्डिंग भी है कितने हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन द जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर भी कितने हैं, टू क्लासिफिकेशन, टू उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू क्लासिफाइड में और डिवाइड किया गया है इसको अकॉर्डिंग टू, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर में। फर्स्ट अपना क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सेकेंड, और सेकेंड अपना क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड यानी कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और सेकेंड अपना क्या है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, वो जो नर्व फाइबर जो होते हैं उसकी जो कवरिंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है, माइलिन शीट के थ्रू कवरिंग होती है। ठीक है, इट कवर्ड बाय, जो नर्व फाइबर है कवर्ड किससे रहेंगे, माइलिन शीट के द्वारा, माइलिन शीट, माइलिन शीट के द्वारा क्या रहेंगे, वो कवर रहेंगे। यानी कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो किसके थ्रू कवर होते हैं, माइलिन शीट के द्वारा कवर होते हैं, वो अपने नर्व फाइबर कौन से कहलाते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इट इज कवर्ड बाय द माइलिन शीट, इट इज नोन एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब नॉन माइलिनेटेड, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है, इस क्या होता है, इट इज नॉट कवर्ड बाय द माइलिन शीट, इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड, नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट, नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीट, माइलिन शीट। ठीक है, इट इज नॉट, जो नॉन माइलिनेटेड होता है वो क्या है, जो माइलिन शीट से कवर नहीं होता है उसको अपन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब जो ये कौन सा हुआ, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन था डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, उस पे बेस पे था, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर में अपन ने देखे। उसके बाद अपन सेकेंड देखते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का मतलब है कि जो माइलिन शीट से कवर होती है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाएगी, और वे नर्व फाइबर जो कि क्या है, माइलिनेटेड यानी कि माइलिन शीट से कवर नहीं होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहलाते हैं। दूसरा जो अपन देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, अपन दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो है वो अपन क्या देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब अकॉर्डिंग टू ये डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसमें इस पर भी जो है वो एक बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसको टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है अपना क्या है, वो सोमेटिक नर्व फाइबर कहलाता है, सोमेटिक नर्व फाइबर। सेकेंड जो है वो क्या कहलाता है, विसरल, विसरल या फिर ऑटोनोमिक नर्व फाइबर, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन में सोमेटिक नर्व फाइबर और विसरल और ऑटोनोमिक जो है नर्व फाइबर में उसको डिवाइड होता है। सोमेटिक से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, इसमें कौन सी जो है मसल्स, इसमें कौन सा क्या रहेगा, जो बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स जैसे अपनी, जैसे बाइसेप्स मसल्स हो गई है ना, ट्राइसेप्स मसल्स हो गई है ना, तो ये कौन सी जो मसल्स वाला जो पार्ट होता है,
ये किसको सप्लाई करता है? जो सोमेटिक से रिलेटेड है, इट इज सोमेटिक का वर्ड क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू स्किन। और ये किसको सप्लाई करता है? जो सोमेटिक जो नर्व फाइबर जो होते हैं, बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स होती है, जैसे बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स हो गई, उसको क्या है, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है ये जो नर्व फाइबर है। ठीक है, इट सप्लाइज द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो स्केलेटल जो मसल्स होती है, लाइक बाइसेप्स, ठीक है, और ट्राइसेप्स, ब्रैकियोरिडिनिस, ये जो मसल्स होती है वो अपनी क्या कहलाती है, वो स्केलेटल मसल्स कहलाती है। तो स्केलेटल मसल्स की जो सप्लाई जो होती है वो किसमें, सोमेटिक नर्व फाइबर उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स। दूसरा जो है अपना क्या है, विसरल और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। अब जो विसरल जो होता है, विसरल के अपने जो बॉडी के जो ऑर्गन है, उस विसरल का मतलब क्या होता है, अपनी जो विसरल जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन, जैसे किडनी, लीवर जो है, वेरियस जो बहुत सारे जो जो ऑर्गन कहलाते हैं, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, तो उसको सप्लाई करती है। ठीक है, इट सप्लाइज द वेरियस इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेरियस इंटरनल जो ऑर्गन जो अपनी बॉडी के हैं, उसको जो कौन से नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं, विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अपना ये किसके अंतर्गत है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत अपने को दो पढ़ना है, एक सोमेटिक नर्व फाइबर और दूसरा जो है वो विसरल या ऑटोनोमिक। सोमेटिक का मतलब है स्किन से रिलेटेड होता है, यानी कि उसमें जैसे अपनी स्केलेटल जो बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स है उसको वो सप्लाई करेंगे, और उसके बाद दूसरा जो विसरल ऑटोनोमिक जो है वो अपनी बॉडी के जो वेरियस इंटरनल ऑर्गन है और बॉडी के उसको वो सप्लाई करती है। तो अपने को उसमें दो देखना है। थर्ड अपना क्लासिफिकेशन है जो है वो डिपेंडिंग अपॉन जो है वो ओरिजिन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। थर्ड क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं अपन, थर्ड क्लासिफिकेशन अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन जो है इसमें क्या है, इसमें भी क्लास, इसको भी ये जो है बेस्ड जो है बेस्ड ऑन द ओरिजिन के आधार पर उसको भी दो टू टाइप से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट जो है वो क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल नर्व फाइबर, और दूसरा जो है वो क्या है अपना, स्पाइनल नर्व फाइबर। ठीक है, अब क्रेनियल से रिलेटेड ही है। क्रेनियल का ये कहाँ से होंगे, ये जो नर्व फाइबर कहाँ से राइज होंगे, क्रेनियल का मतलब है अपने ब्रेन से। ठीक है, ये वे नर्व फाइबर जो अपने ब्रेन से अराइज होते हैं, दे आर अराइज फ्रॉम द ब्रेन, इज कॉल्ड द जो है क्रेनियल नर्व फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, अराइज कहाँ से होंगे, अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, अराइज फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व फाइबर कहलाते हैं। और दूसरा जो स्पाइनल नर्व फाइबर, ये कहाँ से होंगे, दे आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से वो जो है वो रिलाइज होंगे। ये कहाँ से होंगे, अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होंगे वो अपने कौन से कहलाएंगे, वो अपने स्पाइनल नर्व फाइबर कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन जो ओरिजिन है वो क्लासिफिकेशन जो अपन करते हैं, तो उसमें भी दो क्लास, उसके ओरिजिन के बेस पे दो क्लासिफिकेशन होता है, एक क्रेनियल नर्व फाइबर और दूसरा स्पाइनल नर्व फाइबर। जो क्रेनियल नर्व फाइबर है वो अराइज फ्रॉम द ब्रेन से अराइज होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व फाइबर जो है वो नर्व फाइबर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपन देखते हैं जो फोर्थ क्लासिफिकेशन अपना कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस में भी अपने को दो उसको दो इसमें बांटा गया है। फोर्थ अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। फंक्शन के जो बेस्ड ऑन द फंक्शंस के आधार पर भी उसमें दो तरीके से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट जो है वो सेंसरी फंक्शन, सेंसरी नर्व फाइबर, और दूसरा जो है वो अपना मोटर नर्व फाइबर
जो सेंसरी नर्व फाइबर जो होता है, जैसे कि कोई भी सेंसरी नर्व फाइबर का मतलब जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स जो इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो इम्पल्स जो इम्पल्स कैरी कहाँ पे जाती है, अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो इम्पल्स अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इम्पल्स अपनी जाती है तो वो अपना क्या कहलाएगा, सेंसरी नर्व फाइबर। यानी कि जो वे नर्व फाइबर जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करते हैं, ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं, वो अपना क्या कहलाएगा, सेंसरी नर्व फाइबर्स उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मोटर नर्व फाइबर का मतलब क्या है, अब ब्रेन तक तो है वो इम्पल्स जो है वो चली गई है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को उसको जो ऑर्डर देगा, जो उसको डिसीजन देगा कि आप इसको ठंडा है या कोई, जैसे अपन हाथ किसी गर्म या कोल्ड या फिर हॉट चीज़ें पे अपन उसको टच कर रहे हैं तो वो इम्पल्स अपने को कैसे एहसास फील हो रहा है कि वो गर्म है, तो अपने को सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या क्या बता रहा है कि वो गर्म है। उसके बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ से डिसीजन देगा कि ये गर्म है, ये हार्मफुल है, इसको आप हटाओ, तो वो अपना क्या कहलाएगा, जो वहाँ से जो डिसीजन जो आता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो अपना क्या कहलाता है, मोटर नर्व फाइबर कहलाता है, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया, सेंसरी नर्व फाइबर क्या होता है और जो मोटर नर्व फाइबर, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो इम्पल्स कैरी होकर जाती है वो अपना सेंसरी नर्व फाइबर कहलाएगा, और जो मोटर नर्व फाइबर है वो कहलाएगा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम उसको पूरा डिसीजन मेकिंग करने के बाद डिसीजन लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को वो एक डिसीजन देता है, यानी कि ऑर्डर करता है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, मोटर नर्व फाइबर, ठीक है। अब जो है अपने को फिफ्थ क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या है, जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो होता है वो अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। फिफ्थ क्या है अपना, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें क्या है, अपॉन इसमें सिक्रीशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग भी जो है उसको दो टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो कॉलिनर्जिक, ठीक है, नहीं कॉलिनर्जिक नहीं है, एड्रीनर्जिक, ठीक है, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, और दूसरा जो है वो कौन सा अपना होता है, कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर। यानी कि एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर जो होता है वो क्या है, किससे सिक्रीट होता है, इट सिक्रीट बाय द नॉन एड्रीनलिन। ये जो एड्रीनर्जिक जो नर्व फाइबर जो होते हैं वो किससे सिक्रीट होते हैं, इट सिक्रीट बाय द नॉन एड्रीनलिन। ये नॉन एड्रीनलिन क्या होता है, नॉन एड्रीनलिन जो है वो हार्मोन होता है, और जो कहाँ पे सिक्रीट, किससे सिक्रीट होता है, जो एराइज जो होता है उसे रिलीज किससे होता है, रिलीज अपने नॉन एड्रीनलिन जो है वो रिलीज किससे होता है, जो एड्रीनल है और जो मेड्यूला वाला, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है और जो मेड्यूला है वहाँ से वो क्या होगी, वहाँ से रिलीज होता है एड्रीनल एंड मेड्यूला, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड एंड मेड्यूला से वो क्या है, नॉन एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। एड्रेनर्जिक क्या है, एक ड्रग होता है, ठीक है, ड्रग होता है एड्रेनर्जिक। जो नर्व फाइबर्स जो है, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर किससे सिक्रीट होता है, नॉन एड्रेनलिन से सिक्रीट होता है। नॉन एड्रेनलिन क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन जो है वो रिलीज किससे होता है, वो अपना एड्रीनल ग्लैंड जो होती है और जो मेड्यूला जो होता है, जो किडनी में जो होता है मेड्यूला, वहां से वो रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है। अपना जो सेकेंड जो है वो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर होता है। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो है वो सिक्रीट किससे होता है, तो सिक्रीट अपना किससे होता है, एसिटाइल कोलिन से, ठीक है। जो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर होता है वो सिक्रीट किससे होता है, एसिटाइल कोलिन
एसिटाइल कोलिन भी क्या है, एक हार्मोन है, एक केमिकल सबस्टेंस होता है, केमिकल सबस्टेंस जो है वो होता है, ये किससे सीक्रेट होता है, रिलीज किससे होता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो नर्व सेल से रिलीज होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में ये ट्रांसफर होता है ना, रिलीज बाय नर्व सेल, रिलीज बाय नर्व सेल, नर्व सेल से रिलीज होगा, किससे से रिलीज होता है, ये जो एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज बाय नर्व सेल, वन न्यूरॉन से दूसरे, वन न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स में वो ट्रांसफर होता है, वो रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर में, वो एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर और दूसरा जो है वो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर जो है वो नॉन एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, और नॉन एड्रेनालिन क्या होता है, वो रिलीज किससे होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी में और जो मेडुला होता है उससे रिलीज होती है। उसके बाद दूसरा अपने कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो है वो एसिटाइल कोलिन से सिक्रीट होता है। एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एक टाइप का केमिकल सबस्टेंस होता है जो कि एक नर्व सेल जो एक न्यूरोन सेल से दूसरे न्यूरोन सेल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जो उसके बाद अपन सिक्स्थ क्लासिफिकेशन देखेंगे, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन अपना कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अपना सिक्स्थ क्लासिफिकेशन कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्शन ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन, डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन आपका कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के अकॉर्डिंग जो है इसको, इसमें जो है थ्री टाइप्स, इसी को अपन बोलते हैं इरलेंजर, इरलेंजर गेजर, इसी को और भी अपन क्या बोलते हैं, इसी क्लासिफिकेशन को, इस क्लासिफिकेशन सिक्स जो है अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑफ डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को और भी अपन क्या बोलते हैं, इरलेंजर, 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 इरलेंजर गेजर, ठीक है, इरलेंजर गेजर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, इरलेंजर गेजर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को। सिक्स क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर थ्री टाइप्स इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, थ्री टाइप्स इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो टाइप ए फाइबरस, ठीक है, ए फाइबरस। सेकेंड में क्या है, टाइप बी फाइबरस, ठीक है। इरलेंजर गेजर क्लासिफिकेशन बोलते हैं जो सिक्स क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर का, ठीक है। और थर्ड जो है टाइप सी फाइबरस, ठीक है, टाइप सी फाइबरस। अब जो टाइप ए और जो टाइप बी फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। देखो इसमें तीन क्लासिफिकेशंस किया है, जो इरलेंजर गेजर क्लासिफिकेशंस होता है उसमें थ्री टाइप्स उसको डिवाइड किया गया है, टाइप ए फाइबरस, टाइप बी फाइबरस, टाइप सी फाइबरस। टाइप ए और टाइप बी कैसे होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जो टाइप सी जो है, जो टाइप सी फाइबरस है वो कैसा होता है, वो नॉन माइलिनेटेड फाइबरस होता है, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड फाइबरस होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड का मतलब जो कि जिसमें माइलिन शीट से कवर होता है, नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबरस होता है वो उसमें क्या है, माइलिन शीट से कवर नहीं होता है, ठीक। अब जो टाइप ए जो है वो कैसा होता है, टाइप ए और जो टाइप बी है वो कैसे होते हैं, थिक फाइबरस कहलाते हैं, थिक फाइबरस, ठीक है, थिक फाइबरस कहलाते हैं। कौन कौन से, टाइप ए और बी। अब जो टाइप सी जो है
वो कैसा कहलाता है? वो थिन फाइबर्स। कैसा होता है? वो थिन फाइबर्स कहलाता है। और टाइप सी फाइबर्स जो है उसी को अपन फोर्थ फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप सी फाइबर्स इट्स आल्सो नोन एज फोर्थ फाइबर्स। फोर्थ फाइबर्स उसको बोलते हैं, फोर्थ फाइबर्स। उसके बाद देखो, अब जो सब डिवीजन है टाइप ए फाइबर्स जो है उसी का अपन सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन करते हैं। टाइप ए फाइबर्स का इसमें सब डिवीजन किया गया है। इसमें टाइप ए फाइबर्स जो है, टाइप ए फाइबर्स को फोर क्लासिफाइड में डिवाइड किया गया, ठीक है। फोर टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है। फोर टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है। टाइप ए टाइप ए टाइप ए टाइप ए और टाइप ए ए बी सी डी। टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, ठीक है। टाइप ए गामा और टाइप ए डेल्टा, ठीक है। इर्लेंजर क्लास और गेजर क्लासिफिकेशन जो है वो डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को ही बोलते हैं। इर्लेंजर गेजर क्लासिफिकेशन जो वही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में, उसमें थ्री टाइप्स से उसको डिवाइड किया है। टाइप ए फाइबर्स, टाइप बी फाइबर, टाइप सी। टाइप ए और टाइप बी जो होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं और थिक फाइबर्स कहलाते हैं। और टाइप सी जो है वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स कहलाता है। और जो कैसा होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है और क्या है वो थिन फाइबर्स कहलाता है। उसके बाद अपन जो टाइप ए फाइबर्स को सब डिवाइड डिवीजन जो फोर टाइप से करते हैं, टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा और टाइप ए डेल्टा, ठीक है। चार तरीके से उसको सब डिवीजन करते हैं। तो ठीक है, ये जो था आज का जो टॉपिक अपना जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर था, जो कि मैंने उसमें सिक्स क्लासिफिकेशन अपन ने देखे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। और सिक्स जो अपन इर्लेंजर गेजर क्लासिफिकेशन जो कि उसी को अपन क्या बोलते हैं डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स भी बोलते हैं उसको। तो चारों छः का पूरा अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। तो मेरा आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।